हर वक्त यहाँ पे खुशी का माहौल ही होता है और हर बंदे यहाँ पे लाफ्टिंग करते हैं, सैर करते हैं, खूब हंसते हैं, बड़ा प्यार है सब लोगों में। थोड़ा मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा काम करें, किसी को खुशी का कारण बने ना कि किसी के दुख का कारण। 80-80 साल के बुजुर्ग वेट कर रहे हैं कि सुबह कब होगी, 6 बजेंगे 6:30 बजेंगे आपकी क्लास कब स्टार्ट होगी। आप देखिए न्यू ईयर है, सब कहीं घूमने जाते हैं, तो सबसे बड़ा धर्म यही होता है, पहला सिर सुख निरोगी काया। हमारी यही प्रार्थना भगवान से कि सभी लोग तंदुरुस्त रहे और सब रल मिल के इस साल को प्रतीत करें, खुशियां माने, तरक्कियां करें। संगीत ऐसा है, संगीत परमात्मा के मिल की पौड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौधरी न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं मिनी रोज गार्डन लुधियाना में आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और बड़ा ही सुंदर मौसम है। कुछ लोग आगे सॉन्ग लगाकर डांस भी कर रहे हैं, नए न्यू ईयर का अपने तरफ से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लोगों से मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूँ कि लोग किस तरह से 2024 को सेलिब्रेट करेंगे या कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है पूरे साल में, वो क्या क्या करने वाले, कैसे कैसे अपना शेड्यूल बनाए हैं इस सुनहरे अवसर पर। दोस्तों मैं आप को दिखाता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र बैंस। सुरेंद्र साहब ये बताएं कि 2024 का आज ठंडे ठंडे हवाओं के साथ शुरुआत हो रही है, बड़ा सुंदर माहौल है, बड़ी शुभ मुहूर्त है। साहब बताएं 2024 किस तरह से आप सेलिब्रेट आज करेंगे और अपने पूरे साल का क्या शेड्यूल बनाए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। 2024 का हमने कल भी बहुत एंटरटेनमेंट किया यहाँ पे और ये जो हमारी पीछे डांस पार्टी है इन्होंने भी खूब इंजॉय किया और हमारी पार्टी ने भी खूब इंजॉय किया। और यहाँ पे तो वैसे रोज ही इंजॉय होता है, रोज बंदे आते हैं, रोज इंजॉय होता है, रोज किसी ना किसी का बर्थडे भी होता है और कोई ना कोई मतलब हर वक्त यहाँ पे खुशी का माहौल ही होता है और हर बंदे यहाँ पे लाफ्टिंग करते हैं, सैर करते हैं, खूब हंसते हैं, बड़ा प्यार है सब लोगों में। सर हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी। सर आपका शुभ नाम? केवल कपूर जी। कपूर साहब ये बताएं कि 2024 का आज फर्स्ट डे है, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं थोड़ा बताएं हमारे। अभी तो दिन चढ़ा है, अभी तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे दिन बीता जाएगा वैसे वैसे जो रूटीन है। क्या शेड्यूल बनाया इस साल का? क्या इस साल का शेड्यूल बनाया आप पूरे साल? शेड्यूल बनाया है अब बिजनेस में है, स्कूल का पता नहीं होता शाम को कहा है दोपहर को कहा है। अच्छा साहब ये बताएं कि हमारे देश में राम मंदिर का भी इसमें बड़ा तेज हर्षोल्लास से तैयारी चल रही है 22 जनवरी को, उसके बारे में आपको क्या कहना? बहुत बढ़िया, मोदी जी ने काम किया जो अभी तक 70 साल में कभी नहीं हुआ, जो ये बीजेपी ने आगे कर दिया, इससे क्या बात हो सकती है। अच्छा साहब ये बताए कुछ जो एंटी पार्टियां हैं वो तो राजनीतिक मुद्दा इसको बता रही है, जैसे राहुल गांधी हो गए, अदर जो भी है एंटी पार्टी हमारे देश, ये सब पार्टियां मुसलमान की पार्टी है, जो हिंदू सनातन धर्म की पार्टी है वो बीजेपी की पार्टी है। मैं तो ये समझता हूँ बाकी अपने बाकी अपने अपने व्यूज है, ये मेरे को लगता कहां से होगा। मेरा नाम राकेश धीर। राकेश साहब ये बताएं कि 2024 की आज सुनहरे मौसम से शुरुआत हो रही है, बड़ा सुंदर मौसम आज का है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे हम मना रहे हैं? बस दिन की शुरुआत हुई है यहाँ से एक्सरसाइज से और थोड़ा मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा काम करें, किसी को खुशी का कारण बने ना कि किसी के दुख का कारण। सर आपका गुड नेम? जीवन दास बंसल। बंसल सर ये बताएं आज 2024 का फर्स्ट डे है तो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरा जन्मदिन भी है। धन्यवाद जी। और बहुत बढ़िया, अभी अभी हमने मेरे फ्रेंड जो सभी हैं यहाँ ना केक काटा है और अच्छे सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा साहब ये बताएं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है, 22 तारीख को उसका उद्घाटन भी हो रहा है, तो क्या अयोध्या जाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद तो करेंगे पर अभी थोड़ी प्रॉब्लम है घुटनों की, इसके लिए सफर करने के लिए कब तक जा रहे हैं भगवान राम का दर्शन करने 2022? जब भगवान राम बुला लेंगे पहुंच जाएंगे। तो कितना खुशी आपके अंदर है थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को मंदिर बनने का? जैसे ये विराज बर्थडे है, न्यू ईयर भी है, जिसकी इतनी खुशी से उससे बड़ी खुशी तो और कोई हो नहीं सकती। देखिए सब लोग कितने खुशी में आज मॉर्निंग टाइम में देखिए तालियां बजा रहे हैं,
सर आपका गुड नेम? कैलाश गर्ग। कैलाश गर्ग, गर्ग साहब ये बताएं कि आज 2024 का फर्स्ट डे है, कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? यहाँ बहुत अच्छा जी, यहाँ तो आने से सारी काफी हमारा 20 किलो वजन कम हो गया है। आपका शुभ नाम? गीता गोयल। गीता जी बताएं कि आज 2024 का फर्स्ट डे है, सुनहरी शुरुआत है मॉर्निंग की, बहुत सुंदर आज का मौसम भी है, वेदर बहुत अच्छा है, तो आप कैसे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। मैं फर्स्ट डे आई हूँ यहाँ पे। आपका गुड नेम? ज्योति खुराना। खुराना जी ये बताएं, पढ़ रही हैं आप? हाँ, नहीं मैंने स्टडी कर ली है। क्या स्टडी की है? मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा खुराना जी ये बताएं कि 2024 का न्यू हैप्पी ईयर पहले तो आपको, अच्छा ये बताएं कि 2024 का जो ये साल है आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं कैसे जैसे ठाकुर जी की कृपा से मेरे पे बहुत असीम कृपा है और मैं चाहती हूँ सब पर ऐसी असीम कृपा ठाकुर जी की। आपका गुड नेम? मधुधीर। मधुधीर, मधु जी ये बताए कि 2024 का फर्स्ट डे है तो कैसे इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसको एक प्रण लिया है कि हमने अपनी सेहत बिल्कुल ठीक करनी है और यहाँ पे डेली रोज सुबह आना है। सुबह डेली रोज आना और अपनी हेल्थ ठीक करनी है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है। हेल्थ है तो अच्छा ही। बताइए कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी बन रहा, उस समय उस वहाँ पर तो इस समय बहुत ज्यादा उत्सव है, मोदी साहब इस समय वहीं पर है भी, योगी जी भी हैं, तो आपका इस पर क्या राय है? ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे मतलब जो कल्चर है हमारा, हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, वो उनके लिए किया जा रहा है, तो दिवाली से कम तो हो ही नहीं सकता। हर रोज दिवाली है। आप ये बताए कि 500 साल भगवान राम का जो वनवास ही कह सकते हैं एक तरह से, भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया गया था, बहुत सारे जंग हुए, बहुत लोगों की शहीदी भी हुई वहां पर, आज बन रहा है, कुछ लोगों का मैं ऐसा भी सुन रहा हूँ कि बहुत ही क्रूर बयान है इस पर, कह रहे तोड़ देंगे कर देंगे, उस पर आपका क्या कहना? कहने और पत्री में बहुत फर्क होता है, कहने से कुछ नहीं होता, और ऐसा तो सोचना भी मेरे हिसाब से 100 गौहत्यों का पाप है, नहीं सोचना चाहिए सर। साहब ये बताए कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो महामहिम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया कि वहां पर मंदिर ही था, लेकिन कुछ लोग कुछ जो सोच है वो कुछ बहुत ज्यादा निगेटिव है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि फ्यूचर में इसके बारे में क्या हो सकता है, क्या ऐसे लोग जो सोच रहे हैं जो बोल रहे हैं क्या फ्यूचर में कुछ ऐसा कर सकते हैं? देखो ये सोच है जो बहुत गलत है, ये जो सोच है हिंदू धर्म के लिए बहुत गलत है। अच्छा साहब आपका गुड नेम? राजीव अरोड़ा। राजू साहब ये बताएं कि 2024 का नवी शुरुआत है, फर्स्ट डे आज मॉर्निंग टाइम का, तो ये कैसे सेलिब्रेट करना है इस पर बताएं। रामधाम सभी को पहले तो, ये तो हमारे को श्री सुरेश जी हैं, श्री दुबे जी, श्री जय जी, इनके प्रयास से हम बहुत ही फिट हैं, हमको इन्होंने जो 90 दिन में जो एक्टिविटी करवाई है हमारी पूरी टीम बिल्कुल एक्टिव कर दी है, इसके लिए हम इनके पूरी टीम के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम सुरेश दुपर है और हमारी एनजीओ है जियो हेल्थी जिंदगी एनजीओ। हमारा लक्ष्य था कि आजकल देखिए हम देखते हैं तकरीबन हर घर में मेडिसिन घुस चुकी है, हर कोई किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, यहाँ तक डिप्रेशन तक, हाइपरटेंशन तक प्रॉब्लम्स आ गई हैं। हमारा लक्ष्य ये था, हमारी टीम था कि हम कोशिश कर सके इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, तो हमने ये चुना कि हम क्यों ना हम यहाँ पे जो हमने सिखलाई ली है, कोचिंग ली हुई है, पहले मैं कोचिंग देता था वहां से, हमने कहा ये हमारे हमने जो टीम बनाई हमने सेवा का सोचा, फिर हमने यहाँ पे ये प्रयत्न शुरू किया, इसके बाद हमें इतना सारा सपोर्ट मिला, इतना प्यार मिला, बड़ों का छोटों का, यहाँ आप देखेंगे 80-85 साल के बुजुर्ग जो आ रहे हैं मतलब एंजॉय कर रहे हैं भगना। आजकल आपको मालूम है हर बंदे के पास टेंशन ही टेंशन है, किसी को काम भी, किसी को घर की, किसी को फैमिली की, तो यहाँ आके टेंशन ही भूल जाते हैं, वो बंदे कहते हैं खुद हमें बताते हैं हमारी फैमिली में ये हमारी हेल्थी फैमिली बन गई है, तो यहाँ पे 100 से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आके कहते हैं मतलब कि यार हम तो वेट करते हैं, 80 साल के बुजुर्ग वेट कर रहे हैं कि सुबह कब होगी, 6 बजेंगे 6:30 बजेंगे आपकी क्लास कब स्टार्ट होगी, आप देखिए न्यू ईयर है सब कहीं घूमने जाते हैं, तो सबसे बड़ा धर्म यही होता है पहला सिर्फ सुख निरोगी काया, सो अपने जो हम अगर अपनी हेल्थ को संभाल रहे हैं तो परमात्मा की कृपा से, परमात्मा ने हमें अपनी हेल्थ के लिए चुना है तो तभी हम यहाँ पे आए हैं, तो उनकी कृपा से इतने लोग फिट हो रहे हैं, आपको देखेंगे इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी मतलब जिसमें कौन सी प्रॉब्लम थी सर? पार्किंसंस का था, नर्वस सिस्टम मेरा वीक हो गया था बहुत ज्यादा, अभी मैं करीब 2.5 महीने से आ रहा हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, करीब 95% कंट्रोल है पूरा, बढ़िया,
और बहुत बढ़िया, मैं सुबह आ जाता हूँ 6:30 और 7:30 बजे तक, पूरा 1 घंटा सर की कृपा से। अभी बताया कि आप योगा भी करते हैं? हाँ सर, योगा भी करते हैं। योगा हम योग एंड सेवा परिवार के साथ भी जुड़े हैं 2 साल से, वहाँ कराते थे, अब ये स्टैंडिंग वाले सभी आसन कर रहे हैं, योगा कह रहे कराएंगे आगे। सर आपका गुड नेम? मिस्टर जय। जय सर, अभी बताया कि कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हमें यहाँ कंटिन्यू 103 दिन हो गए जी। 103 दिन हो गए। 103, एक एक दिन याद रहता है यहाँ पर, हम कब आ रहे हैं कब, और जो हमारे साथ आते हैं उनको भी एक एक दिन याद रहता है हमें कितने दिन हो यहाँ पर आते हुए। अच्छा सर, अभी बताएं कि 3 महीने से, हाँ 3 महीने से ज्यादा हो गया, तो आप में क्या फर्क आया यहाँ पर आने में, मतलब मॉर्निंग टाइम में? सर हम पहले से ही यहाँ पर सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे हम तो फिट होने हैं और हम साथ के साथ लोगों को फिट करना है। जैसे हम यहाँ पे आने शुरू हुआ, जैसे ही हमें 5-6 दिन हुआ, हमारे साथ लोगों ने अटैच होना शुरू हो गए। जैसे 1, 2, 3, 4 जैसे शुरू हुए, देखो 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 उनको फर्क भी लगने लग गया और 150 से ज्यादा लोग इस समय अटैच है हमारे साथ। अच्छा साहब, ये बताए कि 2024 का आज फर्स्ट डे है, इसको किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे आज? हम तो ये चाहते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, इंसान का सबसे बड़ा धन इंसान का स्वस्थ है। आपका गुड नाम? निशु इराकी। निशु जी बताएं, आप लोग रुकिए थोड़ा, निशु जी ये बताएं कि आज फर्स्ट डे है 2024 का, तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हम अभी सुबह, हमें काफी ऑफर आए हमारे फ्रेंड के कि चलते हम सुबह घूमने के लिए, बट मैंने कहा कि नहीं, हमारी क्लास है सुबह, हम पहले वो अटेंड करेंगे उसके बाद जाएंगे। आपका गुड नेम? सिमरन। हेलो सिमरन जी, हैप्पी न्यू ईयर आपको। अच्छा ये बताएं कि आज 2024 का फर्स्ट डे है, बड़ा सुंदर मौसम भी है, तो आप कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आज का दिन, आप कैसे बिताएंगी आज पूरे साल का, आपका क्या शेड्यूल है, आपके फैमिली और बच्चे भी आपके होंगे जो भी है, सॉरी मैं पूरा नहीं जानता हूँ, उम्मीद है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आज बताएं। सबसे पहले ये मेरी फैमिली है, इनके साथ 3 महीने से मैं यहाँ पे शुरू किया मैंने, मेरे को थायराइड था और मेरी रोज टेबलेट वगैरह खाती थी मैं, पेन किलर होती, मतलब पेन, पूरी बॉडी पेन रहती थी मेरी, तो फिर जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे को कोई पेन किलर नहीं खानी पड़ती, और ये मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, यहाँ पे रहना मैं बहुत पसंद करती हूँ। सर आपका शुभ नाम? सर प्रवीण कुमार। प्रवीण साहब, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आज के टाइम में सारी दुनिया पैसे के लिए भाग रही है, ठीक है, ये एक गेम है जो सिर्फ लोगों के हेल्थ के लिए भाग रही है और बिना किसी प्रॉफिट के। साहब ये बताएं कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, अपने लिए तो हम सब सोच ही रहे हैं, कुछ ही लोग होते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं, करोड़ों में एक है कि जो 100-200 लोग हेल्थी हैं, जो ये कर रहे हैं ना सर वो कोई भी नहीं कर सकता, मेरे को ये मालूम है। क्या बात है सर, ये मैं अकेला नहीं कर रहा, ये हमारी टीम है, हमारी टीम एफर्ट्स है, ये हमारी टीम है, हमारी 7 मेंबर की टीम है, जियो हेल्थी जिंदगी एनजीओ। हम तो कहते हैं हमारी सरकार हमें सपोर्ट करे, हम लुधियाना के क्या पूरे पंजाब में ये करना चाहते हैं कि हर पार्क में एक हेल्थ के लिए अपने कोचिंग क्लास दे सके लोगों को, उसमें क्या कराते हैं हम एरोबिक्स, जुम्बा, स्ट्रेचिंग, डांस, भंगड़ा, एवरीथिंग। सर सिर्फ 1 घंटे 1.25 घंटा हमारे पास आए, मैं गारंटी लेता हूँ 15 दिन में आप अपने ज्यादा फिट तंदुरुस्त, और अगर आपको कोई डिसीज है, बीपी, शुगर, थायराइड, यहाँ तक कि डिप्रेशन, हाइपरटेंशन जैसे पेशेंट भी यहाँ पे आके बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, तो आप खुद अगर आप एक दिन आएंगे तो आपका भी दिल करेगा कि मैं रेगुलर यहाँ पे आऊँ। साहब मैं जो भी हमारे न्यूज को इस समय मिनिस्ट्री अगर कोई देख रहे हैं, जैसे मोदी साहब देख रहे हैं, भगवंत मान साहब देख रहे हैं, केजरीवाल जी देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आपके टीम को सपोर्ट करें, लुधियाना मिनी रोज गार्डन। तो हम आपसे, क्योंकि हमारा न्यूज बहुत दूर दूर के लोग, यहाँ तक की अरब तक के लोग देखते हैं, तो साहब हम पूरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री से अपने की जो ये टीम चल रही है बिल्कुल निःशुल्क है ना, निःशुल्क है, ये देखिए, ये एक तो हमारी एनजीओ है जो बिल्कुल निशुल्क सेवा कर रहे हैं, कोई 1 रुपया भी किसी से ले नहीं रहे, ठीक है जी। और इसके साथ हमने अब सिस्टम शुरू किया है, हम मंथली चेकअप भी कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप सबका, उसमें बताते हैं कि आपका वेट कितना, आप कैसे लूज कर सकते हैं, कैसे फिट हो सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज है, बीपी है, शुगर, कोई भी डिसीज है उसको आप कैसे खींच सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन तो है पर हमें किसी भी स्कूल में ये नहीं बताया जाता कि आपने क्या खाना है क्या आना, हमें ये तो बताया जाता है कि हमारा रंजीत सिंह का, अकबर का जन्म कब हुआ, पर ये नहीं बताया जाता कि आपने अपनी लाइफ के, अपनी हेल्थ के बारे में नहीं बताया था, जो सबसे ज्यादा अपने अहम रखता है। सो प्लीज हमारा यही मिशन है कि हम घर घर तक पहुंच सके, और आजकल जो लोग
दवाइयों के शिकार हो चुके हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं डॉक्टरों के शिकार हो चुके हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, क्यों? सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल के कारण। सो मैं यही चाहता हूं, मेरा निवेदन है सरकार से कि प्लीज 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 हम जैसी एनजीओ की हेल्प करें ताकि हम घर घर में दवाइयां बाहर निकाल सकें, तो और इंडिया को, पूरे इंडिया को एक स्वस्थ भारत, जो मोदी साहब का विजन है स्वस्थ भारत करके लेके जा सके। सो प्लीज। सर आपका गुड नेम? पवन कुमार। पवन साहब ये बताएं कि आज 2024 का फर्स्ट डे है, तो आप इसको किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? मैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए सेलिब्रेट करूंगा, तो सुबह सुबह उठना, पार्क में आना, सर के साथ एंजॉय करना, एंजॉय का एंजॉय है, मस्ती की मस्ती है, फन का फन है, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सुबह सैर करना, पार्क में आना, घूमना, अपने सर के साथ में जैसे वो बताते हैं वैसे वैसे करते हैं, और उसके हिसाब से हमारे एकदम शरीर स्वस्थ है, एकदम रोगी काया है, और हमें कोई जरूरत नहीं मेडिसिन वगैरह की, हम उनके कहने पर जैसे ये कहते हैं वैसे चलते हैं, और शरीर में हमें इतनी एनर्जी महसूस हो रही है कि हम एकदम पूरा दिन सारा दिन हम चुस्त फुस्त रहते हैं। सर आपका गुड नेम? मेरा हरप्रीत सिंह है। सर सिंह साहब ये बताए क्या करते हैं आप? सर मेरा रेडीमेड की शॉप है सर, मेरी होलसेल का काम है अपना। सर मैं इतने आंदे अज 2.5 महीने हो गए ने सर, मेरे को यहाँ पे आते को आज 60 दिन हो गए सर। पहले मेरा वजन था 87 kg, आज मेरा वेट हो गया 77, 10 किलो मैंने सर यहाँ से घटा दिया है, और सिर्फ मैं यहाँ पे इतना अच्छा महसूस करता हूँ, मेरे को काम करने का मन करता है, मेरे हर चीज में बहुत बढ़िया, पहले सुस्ती रहती थी, काम नहीं होता था, बस जाना काम नहीं होता, लड़के करते थे, अब मैं सारा काम करता हूँ, अभी मैं बहुत अपने आप को महसूस करता हूँ, मैं फिट हो गया हूँ अभी अभी, मैंने छुट्टी नहीं करता सर, एक छुट्टी हो जाती है संडे को, मेरा मन करता है मैं जल्दी जाऊँ वहां पहुंचूं, अब मेरे घर में मेरी बेटी सो रही है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मेरी वाइफ सो रही, मैं आ जाता हूँ, सेफ नहीं है यहाँ पे। इसको भी हम बेरोजगार की तरफ से ले सकते हैं, क्योंकि बेरोजगार लड़के हैं जो वही छीना छपटी ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं लगता हमको, लगता कि जो नशेड़ी टाइप के हैं वो ज्यादा, वही नशेड़ी वाले ऐसा कर रहे हैं, बाकी ये कंट्रोल हो जाएगा, इसको योगी मॉडल देना होगा पंजाब को, कंट्रोल हो जाएगा। आप ये बताया कि यूपी में यहाँ से भी बुरा हाल था, क्योंकि हम NCR नोएडा से हैं, हम वही पैदा हुए, वही पले, यहाँ तक मैं थोड़ा दिन अभी आया कवर कर रहा हूँ, तो साहब ये बताए वहां पर तो आज का हालत यह है, वहां पर लोगों से मैंने घुमा फिरा के लड़कियों से पूछा कि ये बताओ क्या आप सेफ हो, क्या 12 बजे रात में वहां पर नोएडा में घूम सकती हो, तो उनका एक ही जवाब होता कि हम बिल्कुल सेफ है, हमारे तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देखता, लेकिन आखिर यहाँ पर ऐसी क्यों स्थिति नहीं बन पा रही? सर पहले तो हम योगी जी को सल्यूट करते हैं, हम उनका मॉडल यहाँ पर चाहते हैं, उनने जो स्थिति वहाँ पर कर दी है, हम रिक्वेस्ट करते हैं दुनिया उनकी तारीफ, हाँ जी मैं उनको दिल से सपोर्ट करता हूँ, मैं ऐसा है, आप इस चौराहे पर हरकत करो, आप दूसरे चौराहे पर नहीं पहुँचने पाओगे, पुलिस पकड़ लेगी आप, यहाँ अंतर कुछ नहीं है, आप चौराहे होंगे, यहाँ आगे पुलिस खड़ी भी होती है, कांग्रेस के जमाने में आज तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं देख रहा हूँ 6 महीने से बिल्कुल भी नहीं है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। योगी जी की हम दिल से सल्यूट करें, मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूँ योगी जी का। अभी बताया वहाँ पर तो प्रोग्रेस भी बहुत ज्यादा है, आप चल के नोएडा देखिए इतना प्रोग्रेस जी, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ जी, मैं उनसे दिल से बहुत है वहाँ पर, योगी जी का मॉडल यहाँ पर चाहते हैं, प्लीज योगी जी यहाँ पर योगी मॉडल चाहते हैं, यस सर योगी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। भगवंत मान साहब अगर हमारा न्यूज देख रहे हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पर थोड़ा माहौल में चेंजिंग है? सर प्लीज इनको कंट्रोल करें, हमारे यहाँ छीना छपटी और मोबाइल स्नैचिंग बहुत बढ़ चुकी है, प्लीज यहाँ पर योगी जी का मॉडल, भगवंत मान साहब भी मेहनत कर रहे हैं तो वो भी तो कर सकते हैं, इतने हो सकते कर सर, जीरो टॉलरेंस के लिए वो वहाँ से सीखे, सलाह ले, अपने एडवाइजर नियुक्त करें कि इसको कैसे कंट्रोल होगा, यूपी से नकल करें और तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। सर आपका गुड नेम? मेरा सेवा वर्मा जी। वर्मा साहब फर्स्ट तो आपको हैप्पी न्यू ईयर 2024 का। साहब आप कैसे हैं? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये बताए कि 2024 का फर्स्ट डे आज, तो इसको कैसे मना रहे हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को इसको सबके साथ हलवे का प्रसाद लगा के, सब एंजॉय करके, म्यूजिक लगा के सबके साथ मना रहे हैं जी। सर आपका गुड नेम? मनोज भंडारी, प्रेसिडेंट सोलकर सन, जिला लुधियाना। क्या बात है। अच्छा भंडारी साहब ये बताए कि आज पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर 2024 का, तो अच्छा साहब ये बताए कि आज जो है फर्स्ट डे है, तो आप कैसे इसको सेलिब्रेट करेंगे? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जितने भी मेरे न्यूज वाले पत्रकार भाई हैं उनको सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ। आगे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? साहब ये बताएं कि आज का आपका शेड्यूल का है, जो पूरी साल में आप कैसे इसको मनाएंगे या कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगे? हमारी यही प्रार्थना है भगवान से कि सभी लोग तंदुरुस्त रहे और सब रल मिल के इस साल को प्रतीत करें, खुशियां माने, तरक्कियां करें,
यही हमारी कामना है। अच्छा साहब ये बताएं कि कहा जा रहा है कि बेरोजगारी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस पर आपका क्या कहना है, आपको क्या फील हो रहा है कि हकीकत में ऐसा कुछ है कि आप पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है? देखिए पहले से जो व्यापार है वो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, जो जो जिनका कारोबार बढ़िया है वो तो बढ़िया होता जा रहा है, जिनका कामकार कम है वो कम होता जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो जिसका ज्यादा हो तो ज्यादा हो गया, आज वो बेचारे छोटे लेवल के लोग हैं वो माइनस होते चले जा रहे थे, तो बहुत बुरी बात है ना कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना, मोदी साहब को क्या संदेश आप देंगे? देखिए मोदी साहब तो बैठे सेंटर में, वो सेंटर की सरकार है, जो जो कारोबार होता है, जो हमारी जो स्टेट की सरकार है इन पर निर्भर करता है, ये वहाँ पे जो हमारे व्यापारी है उनको क्या छूट देते हैं, उनको कब क्या सुविधा देते हैं, जो हमारी सरकार है यहाँ पे जो सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार है वो इतनी हमारे व्यापारी के लिए सक्सेसफुल नहीं है, हमें इनका कुछ इतना सहयोग नहीं मिला अभी तक। बहुत बढ़िया करते हैं, रोज सुबह आते हैं यहाँ योग करते हैं, तो योग करने से आपको क्या फायदे हुए? फिटनेस रहते हैं। फिट है बिल्कुल। क्या काम करते हैं आप? हाँ जी बिजनेस है। सर आपका गुड नेम? जोगिंदर पाल सहजल, सहजल म्यूजिक हॉल। अच्छा साहब ये बताएं कि आप मिनी रोज गार्डन में आए हैं इस टाइम फर्स्ट डे आज, तो आप ये बताएं कि कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा जी, ये आज नया साल है, पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत शुभकामनाएं, भगवान चट्टी कला रखे। तो हमारी जो टीमें हैं, कई टीमें सोशल वर्क भी करती हैं, एनजीओ है इधर, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। अच्छा, आप म्यूजिक से हैं, तो म्यूजिक के माध्यम से 2024 में लोगों को क्या सेवा देंगे? देखो जी मैं तो यही कहता हूँ, एक संगीत ऐसा है, संगीत परमात्मा के मिल की पौड़ी है, संगीत से जुड़ो, कई रोगों का हल है, संगीत है ना, कई मर्जों का हल भी है, जैसे डिप्रेशन हुआ और बंदा उदास रहता है, तो संगीत से जुड़ना चाहिए बंदे को। संगीत एक ऐसी, जब संगीत ना होता तो आधी दुनिया नहीं होती, संगीत तो परमात्मा की देन है ये। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हलवा खिलाया जा रहा है लोगों को, देखिए देखिए नए साल के उपलक्ष में। आपका शुभ नाम जी? हाँ जी विमल कुमार। विमल साहब ये बता, आज लोगों को आप हलवा बांट रहे हैं नए साल के? हाँ जी नए साल की खुशी में बांट रहे हैं जी, नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो, परमात्मा करे सबका नया साल खुशी में भरा निकले। क्या बात है, क्या बात। आपका गुड नेम साहब? आपका शुभ नाम? पंछी। पंछी, पंछी साहब आपका नाम तो बड़ा एक यूनिक टाइप का। अच्छा ये बताए की नवा साल आ जाए, आपको हैप्पी न्यू ईयर 24। तो साहब ये बताए कैसे इसको सेलिब्रेट? देखो ये सभी को मिल के, सभी भाइयों को मिल के हम कर रहे हैं ये। अच्छा, मतलब लंगर टाइप का लगा? लंगर टाइप का, सभी को मतलब स्वीट है, जो नानक साहब के घर का ही बहुत बड़ा, सभी को, सभी को नए साल पे लगता है ये लंगर, हर नए साल पे लगता है, हर संक्रांत पे, हर गुरुपर्व पे, कोई भी किसी किस्म का कोई फंक्शन आता है तो ये लंगर चलता है जी। ये करता धरता है, ये सभी जो कुछ करते हैं यही करते हैं, बाकी हम तो बस पीछे हैं इनके। आपके फैन तो बहुत है, क्योंकि पीछे से हमको लोग कह रहे थे कि आपसे। देखिए भैया ये सभी प्यारे लोगों का जो इतनी मोहब्बत करते हैं, और ये पूरी की बिजनेस क्या है? मेरा भैया गोल्ड का बिजनेस है, गोल्ड ज्वेलर्स है मेरा जी। क्योंकि मैं पीछे वहाँ पर खड़ा था, तब भी लोग कह रहे थे कि उनके पास थोड़ा बात करिए, चलिए चलिए चलिए, तो मैं इस करके स्पेशल आपके पास आया और आपसे मिलके बहुत खुशी भी हमको हुई है। तो देश के लिए अब और क्या करना था? देश के लिए यही है, देश है, वर्ल्ड में रहिए, प्यार से रहिए, खुश रहिए, और नशों का विस्तार कीजिए, जो आने वाली हमारी बच्चे है, हमारी जो विरासत है, मैं इनको यही संदेश देना चाहूंगा कि नशा कभी नहीं करना चाहिए, नशे से दूर हो। क्या आप राजनीति में भी जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इतने लोग आते फैन है? नहीं मैं राजनीति से चला जाता, ये हमारा परिवार है, हम यही लेके सेवा करने जाते हैं। सर आपका गुड नेम? मनमोहन सिंह साहब, पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आपको। अच्छा साहब ये बताए की 2024 को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, पहले तो प्रसाद खाया, परमात्मा का नाम लिया, और पब्लिक की सेवा करो और नशे से दूर भगाओ। गुड नेम बेटा? किरणदीप कौर। किरणदीप कौर, किरण पढ़ती हैं? यस। किस क्लास में पढ़ती हो? बीबीए कर रही हूँ। क्या बात है, बीबीए कर रही हैं। अच्छा ये बताओ कि आज 2024 का पहली बात, आपको शुभकामना हमारे तरफ से, हमारे टीम की तरफ से। अच्छा ये बताओ कि 2024 का जो फर्स्ट डे है आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? मैं अपनी हेल्थ के लिए ज्यादा कॉन्शियस होंगी एंड अपनी जो बैड हैबिट्स है उनको चेंज करूंगी। चेंज करूंगी 2024। आपकी बैड हैबिट क्या है तो गुड हैबिट क्या?
बैड हैबिट ये है कि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, तो एक्टिव होने की कोशिश करूंगी. एंड गुड हैबिट ये है कि मैं मतलब हर काम में जल्दी इन्वॉल्व हो जाती हूँ. तो दोस्तों देखिए, आज मैं मिनी रोज गार्डन लुधियाना में मॉर्निंग टाइम में मैं आया, क्योंकि फर्स्ट डे आज 2024 का लोग बड़े खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं. यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है. तो दोस्तों लोगों में बड़ी खुशियां हैं, और हमारे देश के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, बड़े धार्मिक और बड़े अच्छे नेचर के लोग माने जाते हैं, बड़े मेहनती और खाने पीने के बड़े शौकीन होते, कपड़ा पहनने के बड़े शौकीन होते हैं. और पूरे भारत वर्ष के अंदर पंजाब की जो हेल्थ है सबसे नंबर वन की मानी जाती है. गुरु नानक साहब 10 गुरुओं की धरती है. 10 गुरुओं गुरु जो हमारे हुए हैं, उन्होंने संस्कृति और भारतीयता और देश की सेवा, पूरे विश्व की सेवा का जो नींव रखी है, वो ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं. तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया पूरा, और आज का ये एपिसोड मैं ही अब खत्म कर रहा हूँ. अगर ये एपिसोड हमारा पसंद आए तो हमारे न्यूज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, शेयर भी जरूर करें. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम.